हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, हरिओम। मैं सलोनी, सलोनी विजी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और यहाँ देखिए टाइम, आप लोग टाइम हो रहा है 6:35 और बाहर का मौसम देखिए। हमें जाना है पूजा करने, नहा धोवा के आ गए हैं, जाना है पूजा करने। और बाहर का मौसम ऐसा है कि हिम्मत नहीं हो रही मंदिर जाने की। हाँ, बट जाएंगे ज़रूर। और पतिदेव उठ के मौसम देखने गए थे, देखते हैं क्या कर रहे हैं। कुल्ली उल्ली कर रहे होंगे, वो भी डर रहे हैं मौसम देख के। ये देखिए आप लोग, इतनी जल्दी उठाने क्या जरूरत थी? और खुद भी क्यों उठी इतनी जल्दी? ये देखिए बाहर का मौसम, अंधेरा पड़ा है, कोहरे बहुत हो रहा है। हाँ चलो भैया, लेट हो जाता है। दरवाजा कर दिया अपन, पति देव को पैक कर दिया, बट हमें बाहर जाना पड़ेगा पूजा करने। पहले घर में करेंगे, फिर बाहर जाएंगे मंदिर में पूजा करने। सो ठंड बहुत ज़्यादा है, और कृपया करके आप लोग भी ठंड से बहुत बचिए। और हम तो बच रहे हैं, कोशिश करते हैं कि बचे रहें, बट देखते हैं ठंडी में कैसा स्वास्थ्य रहता है। बस अभी तो नहा के आए, स्वेटर पहनेंगे, अभी पूजा करेंगे उसके बाद। और यहाँ देखिए पतिदेव बड़बड़ा रहे हैं। काहे इतनी जल्दी उठा दिया? देख तो मजा आ रहा था, हम जगे थे तो हमें भी तो आज आपको ही जगा देते। तो कोई दिन जल्दी नहा लिया, देर हो जाती है तब क्या बड़बड़ा आ रहे हैं कि हमें क्यों जगाएं। हम रोज़ नहीं जगाते, रोज़ इनको देर में जगाते हैं, बट थोड़ा थोड़ा सा लग रहा था ये जग रहे थे। हाँ जग ही रहे थे, कैप मांग रहे थे हमसे। तो हमने कहा कि उठ के बैठो और बाहर का मौसम देखो। हमने भी इनको उठा दिया थोड़ा मज़ा करने के लिए। सुबह सुबह थोड़ा सा मूड अच्छा होना चाहिए ना, तो पति देखो परेशान कर लो सुबह सुबह तो मूड और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। सुबह नहीं रही है ब्लॉग में, जल्दी जल्दी झाड़ते हैं बाल, मांग भरेंगे, उसके बाद जाएंगे मंदिर में पूजा करने। अभी से उठे थे तो थोड़ी देर में लेटे रह गए थे, मालूम है थोड़ी देर की जमीन बहुत ठंडी बहुत बढ़िया होती है। जब आधा ही घंटा पहले उठे हो एक तो बाहर नहीं है सर, जो है वो भी एकदम जट बन जाते हैं, झाड़ते झाड़ते और गिरे जा रहे हैं। कि हमारे साथ तुमने बहुत गलत किया। आज हमने पति बहुत पति देव के साथ बहुत गलत किया। आधा घंटा पहले उठा के दुखी कर दिया, दुखी हो गए। हमने उठाया कि आप जग रहे थे, तुमने कहा उठ जाओ। क्या मांगा था? ठंडी लग रही थी, नाक बंद हो रही थी हमारी, और तुम सो जाते, लेकिन तुमने कहा कि नहीं उठ जाओ। हमने कहा हो गया होगा टाइम से। टाइम क्या? अरे अच्छा, हम दगा दिया ना, अकेले बोर होते रहते हैं। आप दोनों बाप बेटा सोते रहते हैं, हम अकेले बोर होते हैं कभी ना। ये देखिए इतने सारे गाने हुए हैं, गंजे नहीं हुए तो और क्या होंगे। जब इस तरीके से डाल टूटे हुए तो खामा खाई गंजे होंगे, है कि नहीं? बाहर जाने की हिम्मत नहीं हो रही, पर मंदिर के नाम से हिम्मत बना है जाने का। स्वेटर पहन के जाना, साल उड़ के ये वाली मेरी रेड वाली शॉल गंदी हो गई है, तो दूसरी निकाल लो, कोई एक ही है तुम्हारे पास। मैं मन नहीं करता निकालने का, ठंडी में जितना बोलो पहनो उतना धुंधला भी तो करता है। इसीलिए एक दिन से, कई दिन से, दो तीन दिन से वही शॉल हो रहा था। अभी उसको आज नहीं यूज करेंगे, क्योंकि आज बृहस्पति, आज कपड़े तो धुलेंगे नहीं, आज वही वो लेंगे। कल चेंज करेंगे तो कल दूसरी वो लेंगे। तो हमारी जैकेट निकाल, जैकेट पहन के चले जाना। तो कहाँ हमारे पास स्वेटर नहीं है कि जैकेट नहीं है? तो पहन के जाना, तो पहन के जाना स्वेटर पहन लो ना, तो फिर ज़्यादा ठंडी लगने लगती है, पहने नहीं जाना। इतनी ठंड में प्यास बहुत तेज लगती है, ठंडा पानी ना पीना, गर्म करके पीना। हाँ गला थोड़ा सा कल सिलसिला रहा था, बाबू का भी हमारा, आज बाबू को नहला के वरना तेल खुल वगैरह पहनेंगे। नहला के मौसम देख रही हो, खुद नहला उसको नहला देंगे। नहीं नहलाएंगे,
नहीं नहला तो फिर बच्चे के दाने दाने से हो जाते, तेल लगाने की वजह से ना, गर्म तेल रहता उसके सूट करता नहीं, लेकिन क्या करें सर्दी के मारे लगाना पड़ता, और नहलाना तो उसके दाने से हो जाते, खुजाता है। हमने बोला था कुछ भी करो, मैं कुछ ही करो, थोड़ी देर किया तो फिर क्या बजे सोया तुम बेटे? 12 बजे, 12 से ऊपर हो गया था। माँ चुप चुप कराओ तो फोन नहीं बंद करो, ये वो थोड़ी देर ही बतिया है वो। माँ बेटा 12 बजे फोन बंद किया था, फिर 5 मिनट बतिया है उसके बाद फोन। तो ये देखिए फ्रेंड्स, पति देव जंग लड़ने की तैयारी कर रहे हैं भाई आज। जंग लड़ने की तैयारी हो रही है। कहाँ जा रहे हैं? हैं नहाने जा रहे हैं? मन कर रहा ना, मेरा तो ठंड के मारे मोबाइल भी हिल रहा है, हाथ कांप रहा है, कैमरा भी हिल रहा है। नहाने जा रहे हो? नहा लोगे? पानी छिड़क के चले आइएगा। सुनो सुनो बताए, पानी छिड़क के चले आइएगा है ना, अपना हाँ चड्डी बनियान अपना धो के डाल देना, और यहाँ पे ग्रिल पे, जिससे कि नीचे सब देखेंगे हाँ ये नहा के आए हैं। ठीक, जा फिर भैया नहा लो। जय हो, जय हो, जय माता की, जय माता की करते हुए जाओ, हिम्मत मिलेगी आपको। कल रात में हमने शेर देखा था। कहाँ देख लिया? सपने में। सपने में? हाँ। अभी हम भी सपना अपना बताएंगे, थोड़ा लंबा है। हद कई दिन से हम सपना देख रहे, पता नहीं क्या क्या हम देखे कि हाँ वही चीता जो हमारे ऑफिस में, वो तो आप सोच रहे होगे तो ध्यान नहीं आ गया, लग रहा है वो यहाँ आ गया, तुम टहल ली तो तुमको हमने कहा अंदर अंदर, और तुम उधर चली गई, तुम्हारे पीछे पीछे जा रहा है वो आपने सुना ना, तो वो आपके ध्यान में होगा तो वही आपने देखा। खोलो जरा बाहर का दिखाए, अब कैसा मौसम हुआ है? 6:30 पे तो ऐसा था, और अभी क्या बज रही, 8:10 बाकी है, और अभी तक मौसम ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। ये देखिए कोहरा कितना हो रहा है, घन घोर अंधेरा, और पति देव इतने कोहरे में जा रहे हैं जंग लड़ने। बाय बाय, चलते हैं फटाफट से नाश्ता बनाने। साग मैंने रात को, शाम को नहीं, दोपहर को ही ले लिया था, सब्जी वाले आए थे तो मैंने ले लिया था, और उसको काट के रख दिया था, और अभी मैंने आलू काटा है। अब हम जा रहे हैं चाय चढ़ाने और सब्जी चढ़ाने, उसके बाद फटाफट से गूंद लेंगे आटा, और पति देव आएंगे गर्म गर्म चाय पिलाएंगे, क्योंकि नहाने जा रहे हैं, गर्म गर्म चाय पिला देंगे तो थोड़ा सा उनको भी अच्छा लगेगा। सो चलते हैं फटाफट से नाश्ता बनाते हैं, ठंड बहुत तेज लग रही है, जल्दी जल्दी काम निपटा के जल्दी से हम भी ब्लैंकेट में बैठ जाएंगे। सो बने रहिए मेरे ब्लॉग में, और वीडियो पे आइएगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, एंड चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। सो फ्रेंड्स, पति देव आ चुके हैं, बहुत बड़ी जंग लड़ के घर के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। लगा आपको कि आप जंग लड़ने सच में गए थे? हैं मेरी बीवी झूठ नहीं बोल रही थी, हम सच में जंग लड़ने गए थे। हैं वो टंकी पानी से मंदिर गए, हाथ धो रहे थे पानी, अरे हाथ भूल गए। हम भी गए थे, हम तो और ठंडी थी, अभी तो खुद थोड़ा सा हुआ, मेरे तो पैर और हाथ जैसे चुरचुराए गए थे एकदम। और जब वापस जल चढ़ाने के बाद वापस जब मंदिर में गए, पैर जैसे लग रहे टेढ़े हुए जा रहे हैं। पानी आपके लिए गुनगुना कर दिया, ये गुनगुन पानी पीजिए, ठंड मार के दिया पानी को। आइए, हमारे बाबूलाल यहाँ उठ के बैठ चुके हैं, आजकल ये सवेरे ही उठ जाते हैं। सवेरे क्या मतलब, 8:30 तक हम उठा देते हैं इनको, क्योंकि दो दिन पहले ये 2:30 बजे रात में सोते, उस वजह से हम इनको सवेरे थोड़ा सा जल्दी उठाने की कोशिश करते हैं, और इनकी आदत चेंज कर रहे हैं उठने की और सोने की, क्योंकि इनका रूटीन बहुत गंदा है। तो 8:30 बजे तक हम पक्का इनको उठाने की कोशिश करते हैं, उठा देते हैं और उठ के बैठ जाते हैं। मगर थोड़ा सा दिक्कत की बात ये है कि मोबाइल के ही लालच से उठते हैं, उठ के बैठ जाते हैं, वरना ऐसे उठाते रहो तो नहीं उठते। पर ज़्यादा देर नहीं दिखाते हैं, बस जब तक इनके पापा रहते हैं थोड़ी देर ही दिखाते हैं, उसके बाद पापा इनके जाते हैं मोबाइल ले जाते हैं तो मान जाते हैं, मूड भी इनका फ्रेश हो जाता है और उठ भी जाते हैं, अच्छे से रोते गाते नहीं हैं, और देर में
देर में सोते हैं, फिर देर में जगते हैं, फिर दोपहर में नहीं सोते हैं, शाम में सो जाते हैं, तो इसलिए रात में नींद नहीं आती। इस वजह से भी इनका रूटीन चेंज कर रहे हैं कि सही हो जाए, और फिर स्कूल वगैरह जाएंगे, थोड़ा सा मौसम सही हो जाएगा तो कोचिंग भी लगाएंगे, तो जब रूटीन सही करेंगे तभी तो इनकी आदत सही हो पाएगी, कुछ बदलाव आएगा, हमें ही करना पड़ेगा ये सब। क्यों तो चलते हैं, सब्जी हमारी पक गई है, बस चुरचुराना बाकी है, थोड़ी सी चुरचुरा जाए, मतलब साग चढ़ाया है तो साग चुरचुरा जाए। चाय दो या तो चाय भी बन गई, चलते हैं पति देव को चाय देते हैं और पराठा सेक दे करो। और देखिए ये आगे कैसे सेक रहे हैं, ये देखो, हाथ थोड़ा सा गर्म कर रहे हैं क्रीम लगाने के लिए। हमारे घर में ऐसे आगे सेकी जाती है, हम लोग ऐसे आगे सेकते हैं, है जी। यहाँ बज रही है 10:10 बाकी है, और हमारे बिहू नहा धोवा के आ गए। टें टें, अच्छा लगा नहा के? अच्छा, चलते हैं फ्रेंड्स फटाफट से इनको कपड़ा पहनाते हैं, तेल रगड़ के तेल बनाए हैं अजवाइन का, वही रगड़ेंगे, फटाफट से इनको कपड़ा पहनाएंगे, नहीं तो ठंड लग जाएगी।